नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों समेत प्रदेश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब तक करीब 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने युवाओं से अपील की है कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की दिशा में जाना बेहतर नहीं है और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना के जरिए से युवाओं को रोजगार देने का रास्ता खोला है। अग्निपथ योजना का जहां देश के अलग अलग राज्य में देखने को मिल रहा है, जो विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं का समर्थन देने की बात कही है। राजधानी देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अग्निपथ योजना में बहुत कुछ साफ नहीं है कि आखिर अग्निवीरों का 4 साल के बाद क्या होगा और जो सेना से जुड़े सीक्रेट युवाओं के हाथ लगेंगे, जब वे 4 साल के बाद सेना से बाहर आ जाएंगे तो उसका क्या होगा, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं का सम्मान करती है और उनका समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करती है। इस पर कोई बहस हुई या कोई चर्चा हुई या रक्षा समिति के अंदर इस विषय पर कोई बात हुई? क्या आपने रक्षा विशेषज्ञों से या नौजवान साथियों से कोई संवाद स्थापित करने का काम किया? अगर ये तमाम चीजें केंद्र की सरकार ने की होती तो शायद संभवतः आज की तारीख में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नौजवान साथी सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है, ये संघर्ष होता हुआ नहीं दिखाई देता। 4 साल के बाद उनको अन्य जगहों को आरक्षण देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब युवा पहले भी ठगे जा चुके हैं। आज जब युवा से बात करते हैं 4 साल की, तो कहते हैं कि इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, वो कहां गया? प्रति परिवार को 15 लाख रुपए काला धन वापस लाकर देने की बात कही गई थी, वो कहां गया? तो निश्चित तौर पे अगर आपने पहले के वादे पूरे किए होते तो ये 4 साल का जो आप अग्निपथ लाए थे, निश्चित तौर पे युवा शायद इसका समर्थन करते, क्योंकि आपने इस देश के किसानों को भी ठगने का काम किया और जो युवा सैनिक के रूप में देश की सेवा करना चाहते थे उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाया जाएगा और दूसरी तरफ आर्मी जैसे विभाग में उपनल संविदा के माध्यम से लोगों को लगाने का काम हो रहा है। देश के हजारों लाखों करोड़ों युवा आज सड़कों पे उतरे हुए हैं और जिस तरह से टीवी के अंदर भी मैं देख रहा हूँ एक ही बात आ रही है कि हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उसके लिए तो हम बिल्कुल सहमत नहीं है, न हिंसा के लिए, न आगजनी के लिए और न लड़ाई झगड़े के लिए, परंतु शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करना, सड़कों पे विरोध दर्ज करना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है और इस पर किसी तरह की रोक भी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। सरकार के चाबुक से अब जंगलों में बनी मजारे और मंदिर भी अछूते नहीं रह पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कहा है कि अतिक्रमण जहां भी होगा, जिस भी स्वरूप में होगा, उसे हटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग अपनी परिधि में बने मंदिर और मजारों को चिन्हित कर रहा है, जिससे कि समय रहते क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। सीएम धामी ने भी कहा कि जहां पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है उसे समय रहते हटा दिया जाए। नहीं देखिए, ये मैं कहूंगा कि सभी नौजवानों को इस दिशा में जो है नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को जो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है और उसके साथ साथ जो 25% लोग जो है सीधे सीधे उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ जो लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न सेवाओं में उनको अनेकों अनेक अवसर मिलने वाले हैं।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में गिरिराज सिंह के साथ बातचीत की और इस मौके पर सीएम धामी ने गिरिराज सिंह को उत्तराखंड में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही गरीब कल्याण से जुड़े योजनाओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की ओर से देवभूमि रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हर वर्ग से ज्यादा पत्रकार का महत्व है। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रेस क्लब में मौजूदा अध्यक्ष जितेंद्र अंतवाल, इसी के साथ ही संरक्षक मंडल के पदाधिकारी नवीन थलीडी, इसी के साथ ही अविकल थापलियाल मौजूद रहे। हर वर्ग से कहीं ज्यादा अगर किसी की महत्ता है, किसी का कर्तव्य है, तो हमारे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है। और मैं अब धीरे धीरे जो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि पत्रकारिता एक अलग उसमें जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो निर्भीक है, निष्पक्ष है, जनपक्ष है, उन सब की अपनी महत्ता है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो दर्पण है, जो आईना है, वो हमेशा साफ रहना चाहिए। और हमेशा तलवार की ताकत पर अगर भारी पड़ी है तो कलम की ताकत है जो आपके हाथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून डिफेंस ड्रीमर्स और नगर निगम देहरादून की ओर से आयोजित क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और देहरादून को स्वच्छ करने का काम समाज सेवा, प्रकृति, पर्यावरण एवं श्रमदान का काम है। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। इस दौरान विधायक खजान दास, दून डिफेंस ड्रीमर्स के अध्यक्ष हरिओम चौधरी और अन्य लोग मौजूद रहे। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी, खजान दास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किया जा रहा है, जिसका असर अब रेलवे संचालन पर भी दिख रहा है। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से ट्रेन फूंके जाने की घटना के मद्देनजर पिछले दो दिनों से रेलवे संवेदनशील इलाकों के लिए ट्रेनों को रद्द कर रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए मुरादाबाद मंडल से चलने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। हावड़ा से चलकर देहरादून आने वाली उपासना एक्सप्रेस का संचालन लगातार प्रभावित होने के बाद ट्रेन रद्द कर दी गई है। अप और डाउन दोनों ही ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इससे पहले हावड़ा से देहरादून आने वाली यही ट्रेन कई घंटों की देर से स्टेशन पहुंची तो यात्री काफी परेशान दिखे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। इस अभियान के तहत 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों उन लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से जहां सैन्य स्मारक है वहां से प्रारंभ करूंगा। और वहीं हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का समापन हो गया है। देश भर से आए किसानों के साथ मंथन करने के बाद 21 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। किसान महाकुंभ में पारित 21 प्रस्तावों में अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर सभी प्रस्तावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव यहाँ पे हुए हैं, उसमें फसलों के दाम के सवाल भी हैं, एनजीटी कानून में बदलाव हो वो भी उसमें है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें वो उसमें है, मछुआरों को सब्सिडी वो दी जाए उनको प्रस्थान करा जाए वो भी उसमें है, क्योंकि पूरे देश के प्रस्ताव हुए हैं। जो छात्रों का आंदोलन चल रहा, जो युवाओं का चल रहा, पूर्ण रूप से हमने कहा कि ये आंदोलन हिंसक ना हो। पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन को हिंसक करवा सकते हैं तो बच्चे ये हैं कि हिंसक उससे दूर रहे और हम पूर्ण रूप से बच्चों के साथ। और वहीं अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से केंद्र में अनेक जनहित की जनकल्याणकारी योजना लाई गई है, जिसमें गरीब कल्याण योजना आज लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं, बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है, पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए, जिससे कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया था। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मॉनसून की दस्तक के पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने चारधाम समेत अनेक जिलों में बारिश और भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। इसके साथ ही भारी बारिश के आसार वाले जिलों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने, नदी नालों में पानी भरने आदि की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1364 या फिर मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम और मार्गों की जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के चलते पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अगले 4 दिन में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। ये 5 तस्वीरें हैं इसी से जुड़ी।
देहरादून, बड़कोट, केदारनाथ, हरिद्वार और चमोली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मौसम विभाग की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है जो लोग आने वाले दिनों में अगर पहाड़ी क्षेत्रों का, उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो आने से पहले जो मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है वहां से आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं और उसी के बाद ही पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया जाए लोगों की तरफ से। मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के अनुसार चमोली में बारिश जारी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से प्रकृति ने चारों तरफ सफेद चादर से ओढ़ ली है। वहीं यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को भी कड़कती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रबंधक सेवा सिंह का कहना है कि यात्रा में कोई कमी नहीं आई है, यात्रा अपने चरम पर है। हालांकि ठंड जरूर फिर से लौट आई है। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। गरीब कल्याण सम्मेलन में मोदी सरकार के 8 साल के कामों की जानकारी दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मोदी युग में केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। मोदी सरकार ने गरीबों को घर दिलाने, शौचालय दिलाने, महिलाओं को सम्मान दिलाने सहित कई विकास काम किए हैं। यही कारण है कि बीते विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास कायम किया है। गरीब कल्याण सम्मेलन जो है आज आहूत किया गया और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 8 वर्षों में किस प्रकार से गरीबों के कल्याण से संदर्भित योजनाएं विभिन्न जो लॉन्च की गई थी जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थी बने, आज उन्हीं को लेकर जो है सम्मेलन हुआ भी और निश्चित रूप से लाभार्थियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, मिला भी है, जिसका परिणाम जो है उत्तराखंड में पुनः सरकार लौटना है, जिसका परिणाम जो है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लौटना है। तो आज मैं कह सकती हूं कि 8 वर्ष केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रहे हैं। और वहीं केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए प्रेरित किया गया। समर्पण और गरीब कल्याण का और मोदी जी का जो 8 वर्ष जो पूरा एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है उसको लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस जनपद के लाभार्थी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के बधाई देने के लिए और संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और पूरे गरीब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टिहरी पहुंचे जहां उन्होंने रानी चौरी में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर टिहरी, इसी के साथ ही घनसाली, देवप्रयाग और धनौल्टी के विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर अग्निपथ योजना के विरोध के मामले पर मदन कौशिक ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति, हमारे संगठन का मजबूत आधार ये दर्शाता है कि हम मंडल तक की कार्य समिति उसी रूप में करते हैं जिस रूप में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है।
तो आज ये सभी जिलों की कार्य समिति हो रही है। कार्य समिति में एक राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धि, उस क्षेत्र से संबंधित राजनीतिक रूप से किए गए कार्यों के प्रति सरकार का आभार, सरकार को सुझाव देना है तो वो भी इसमें आते हैं, कार्यक्रमों की जो आगामी होंगे उनकी जानकारी, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और एक जनरल उद्घाटन और समापन, इस प्रकार से कार्य समिति का एक प्रकार होता है। उधम सिंह नगर जिला अधिकारी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देशित किया और जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, जिससे कि बाकी बचे ओवरब्रिज के काम को भी पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि काशीपुर में बरसात के मौसम में जो जल भराव की समस्या आती है उसमें कमी लाने के लिए निगम प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे बड़े नालों की व्यवस्था और सफाई का काम दुरुस्त करें। इश्यूज तो इसके रेलवे विभाग से शॉर्ट आउट है, तो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है, उसके बाद जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम उनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी पर मिल चुकी है, जो खामियाँ हैं इनको दूर करेंगे, क्योंकि इनकी इंफेक्शन हमारे तौर पर भी आएगी और साथ में जहाँ भी टेस्टिंग की जरूरत है वो टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी या उसकी उसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो रिकार्ड कराएंगे। हरिद्वार में चारधाम यात्रा का पंजीकरण आज से पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे। बता दें कि अभी तक पंतद्वीप पार्किंग में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण किए जा रहे थे। आज से देवपुरा चौक के पास राही मोटल कैंपस में बने पर्यटन विभाग के कार्यालय पर ही पंजीकरण होगा। जिलाधिकारी के अगले निर्देश मिलने तक यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी रहेगी। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आला अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी नशे के आदि हो चुके युवाओं को इंजेक्शन उपलब्ध कराता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।